देश में कुदरत इस समय अजब रंग दिखा रही है। कहीं मूसलाधार बारिश है तो कहीं तपाने वाली गर्मी, लू के थपेड़े और तूफान एक साथ चल रहे हैं। कई राज्यों में बारिश से हाहाकार है तो देश के कई इलाके ऐसे भी हैं जहां गर्मी जानलेवा बनी हुई है। आज 20 जून हो चुकी है, कई राज्यों में मॉनसून का इंतजार लंबा होता जा रहा है। मौसम में कन्फ्यूजन क्यों है? इस कन्फ्यूजन के दूर होने का कोई स्कोप भी है या नहीं? क्या मौसम हर दिन के हिसाब से होगा या इसका वीकली रोस्टर बनेगा? इन सारे सवालों के जवाब आप इस रिपोर्ट में देखिए। देश में कहीं मूसलाधार बारिश से घर बार डूब रहे हैं तो कहीं चिलचिलाती धूप की तपिश में जिंदगी की डोर छूट रही है। कहीं मानसून की फुहारें जमकर बरस रही हैं तो कहीं मानसून के इंतजार में खेत सूख रहे हैं। जून का तीसरा हफ्ता चल रहा है लेकिन मौसम का मिजाज ऊंट पटांग है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश के कई इलाकों में लू के थपेड़े चल रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिन बिहार और झारखंड में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पारा यहां 45 के पार जा सकता है। पास्ट 4 to 5 डेज में ईस्टर्न इंडिया में, स्टार्टिंग विथ नॉर्थ आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ईस्ट यूपी, इसमें हीट वेव टू सीवियर हीट वेव कंडीशंस चल रहा था। आज का जो पूर्वानुमान है, इस पूर्वानुमान के हिसाब से हीट वेव कंडीशंस के लिए हम रेड कलर वार्निंग दिए हैं झारखंड और बिहार के लिए, और कल से टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा झारखंड और बिहार और हीट वेव एबेटेड होगा ग्रेजुअली। और जो ओडिशा, छत्तीसगढ़ और ईस्ट यूपी, यहाँ हम ऑरेंज कलर वार्निंग दिए हैं हीट वेव के लिए, ये भी 24 आवर्स के लिए। इसके बाद धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज होगा क्योंकि मॉनसून एडवांस कर रहे हैं। बिहार में अभी तपती जलती गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली, मॉनसून के लिए अभी और इंतजार करना होगा, गर्मी अभी और सताएगी। बिहार पिछले करीब एक हफ्ते से भीषण गर्मी की चपेट में है। पिछले कई सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटता नजर आ रहा है। बिहार के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री को पार कर चुका है। भीषण गर्मी लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। कई लोग बीमार पड़ जा रहे हैं, अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। बिहार में पिछले करीब 3 दिनों में 3 दर्जन से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून बंगाल और झारखंड से होते हुए बिहार प्रवेश करेगा, तब जाकर बिहार में बारिश होगी। लोगों को मानसून की बारिश का इंतजार है। किसान भी खेत सूखने से परेशान है। पिछले 2 दिनों में कुछ जिलों में हल्की बारिश से लोगों को थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन लोगों को इंतजार मानसून की उस बारिश का है जिसकी फुहारें भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिला सकें। पश्चिमी यूपी का कुछ इलाका छोड़ दें, पूरा यूपी उबल रहा है। ज्यादातर इलाकों में पारा 40 के पार है। मौसम विभाग के मुताबिक बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली मानसूनी हवाओं से राहत मिलने की उम्मीद है, लेकिन अभी 48 से 72 घंटे इंतजार करना होगा। पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बादलों का घेरा है, लेकिन पूरा उत्तर प्रदेश इस समय जबरदस्त गर्मी की चपेट में है। पारा 40 डिग्री 42 डिग्री के पार है, लेकिन महसूस ऐसा हो रहा है कि जैसे तापमान 50 डिग्री के ऊपर चला गया है। जबरदस्त धूप, जबरदस्त गर्मी, पसीना, लोग परेशान हैं। मौसम विभाग की माने तो मानसून झारखंड से बिहार होते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करेगा और उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अगले 2 दिन तक इस गर्मी से राहत मिलना मुश्किल लगता है। दूसरी तरफ पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। गुजरात में आया बिपरजॉय कमजोर पड़कर पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बना रहा है, जिससे मूसलाधार बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने इन इलाकों में अगले 24 घंटे से 20 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। मध्य प्रदेश से सटे वेस्ट यूपी के कुछ इलाकों में भी तेज बारिश का अंदेशा है। जो साइक्लोन बिपरजॉय वीक होते हुए एक डिप्रेशन ग्रुप में राजस्थान के ऊपर जा रहा था, आज वो फर्दर वीक हो गया है।
और ईस्ट राजस्थान और इसका आसपास जो वेस्ट एमपी इलाका है वहाँ एक वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया के हिसाब से केंद्रीभूत है। सो इसके प्रभाव में अभी 24 आवर्स के लिए यानी 19th के लिए ईस्ट राजस्थान में हैवी टू वेरी हैवी के साथ साथ आइसोलेटेड प्रेसेस में एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल एंड 20 सेंटीमीटर से ज़्यादा बारिश हो सकता है। इसके साथ साथ जो वेस्ट एमपी एरिया है वहाँ हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल आज होगा और कल हैवी टू एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा, फिर परसों को माने 21 तारीख से फिर रेनफॉल रिड्यूस हो जाएगा। मेरा यही मतलब है कि जो वेलमार लो प्रेशर एरिया है इसका ज़्यादातर इम्पैक्ट आज और कल होगा 19-20 को ईस्ट राजस्थान वेस्ट एमपी और एडजेनिंग एरियाज ऑफ साउथ यूपी साउथ वेस्ट यूपी स्पेशल जो बुंदेलखंड एरिया होता है और इसके बाद इसका इम्पैक्ट धीरे धीरे कम हो जाएगा। देश में मानसून धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। केरल, तमिलनाडु, नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम, असम और वेस्ट बंगाल के ऊपरी इलाकों में मानसून के बादलों ने अपना डेरा डाल लिया है। इन इलाकों में अगले 72 घंटे अच्छी बारिश की उम्मीद जताई जा रही है। अगले 3 दिन के लिए हम जो वार्निंग दिए हैं इसमें असम मेघालय के लिए आज एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल होगा और इसके बाद कंसेक्यूटिव 2 डेज या 3 डेज हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगा। सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल माने मालदा की नॉर्थ में जो वेस्ट बंगाल के पार्ट है वो सभी एरिया में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होने के साथ आइसोलेटेड प्लेसेस में एक्सट्रीम हैवी रेनफॉल हो सकता है आज यानी 19th, 20th and 21st। वहीं आधा से ज्यादा देश मानसून के इंतजार में आसमान में टकटकी लगाए है। पूर्वी यूपी, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के कई इलाकों में भीषण गर्मी से गला तक सूख रहा है। नदी, पोखर, तालाब भी सूखने लगे हैं। आसमान से बरसती आफत से अब मानसून ही राहत दे सकता है। मानसून अभी एक्टिव स्टेज में है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के लिए और सब वेस्ट बंगाल के लिए, जिसकी वजह से लास्ट 3-4 डेज अच्छा बारिश हो रहा है और अभी नेक्स्ट 3 डेज भी अच्छा बारिश होगा। इसके साथ साथ आज मानसून गंगटी वेस्ट बंगाल और झारखंड के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट रेडजेनिंग बिहार एरिया में भी आ चुके हैं और हमारा पूर्वानुमान है कि अगले 3 दिन में मानसून साउथ इंडिया के और कुछ हिस्सा और ईस्टर्न इंडिया के और कुछ हिस्सा में प्रवेश करेगा, जैसे ओडिशा, झारखंड, बिहार और ईस्ट यूपी। मानसून आज काफ़ी हद तक एडवांस किए हैं बे ऑफ बंगाल पे, साउथ इंडिया में कुछ हिस्सा में जैसे यार जो नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मानसून है वो अभी रायचूर कवाली होते हुए साउथ पेनिनसुला में, फिर यहाँ श्रीनिकेतन माने वेस्ट बंगाल की कैनिंग, इसके बाद श्रीनिकेतन होते हुए झारखंड के दुमका होते हुए बिहार की तरफ आगे बढ़ रहा है। सो सम पार्ट्स ऑफ आंध्र प्रदेश, सम पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, सम पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, सम पार्ट्स ऑफ झारखंड एंड बिहार हैज बीन कवर्ड बाय मॉनसून टुडे। हर साल देश को अच्छे मॉनसून का इंतजार होता है, इस साल भी मॉनसून के नॉर्मल रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अप्रैल और मई की तपती गर्मी के बाद जब जून में मॉनसून केरल के तट को हिट करता है तो तापमान में गिरावट आती है, लोगों को राहत मिलती है। ऑल इंडिया लेवल पर जो कंट्री एज अ होल बारिश होगी वो 96 से लेके 104% के बीच में होगी, जो कि नॉर्मल रेंज है। मॉनसून का आगमन जो है वो कर्नाटका में अब की बार थोड़ा सा देरी से हुआ है। 10 जून 2023 को मॉनसून ने कर्नाटक के कुछ जिलों को कवर कर दिया था और अभी की ये स्थिति है कि मॉनसून जो है वो रत्नागिरी, रायचूर और कावेली डिस्ट्रिक्ट्स, नॉर्दर्न लिमिट ऑफ मॉनसून जो है वो वहाँ से पास कर रही है। और अगर आप रेनफॉल स्टेटिस्टिक्स की बात करें तो पिछले साल एज ऑन 19th जो डेफिसिट था वो -26% था कर्नाटक के लिए, लेकिन इस साल ये थोड़ा ज़्यादा है, ये -71% है। लेकिन इसका तात्पर्य ये नहीं है कि आगे वाले दिनों में मॉनसून की स्थिति ऐसे ही रहेगी, देर आर चांसेस ऑफ इट्स रिवाइवल, क्योंकि मॉनसून पीरियड जो है वो 122 दिन होते हैं
और अभी हम मानसून के अभी मतलब मिड जून तक ही पहुंचे हैं और अभी काफी समय बाकी है फॉर द मानसून टू रिवाइव। अब आपको बताते हैं मानसून आता कहां से है और जाता कहां है। मानसून अरब सागर की ओर से भारत के दक्षिण पश्चिम तट पर आने वाली हवाओं को कहते हैं। ये हवाएं भारत में बारिश लेकर आती हैं। मानसून अरबी शब्द मैसिम से आया है जिसका हिंदी में मतलब होता है मौसम और ऋतु। भारत में मानसूनी हवाएं सबसे पहले मालाबार यानी केरल के तट से टकराती हैं। उसके बाद ये मानसूनी हवाएं भारत के दक्षिण और उत्तरी इलाकों की तरफ बढ़ती हैं। इस दौरान पश्चिमी घाट से लगे राज्यों में मानसून सबसे पहले पहुंचता है और मानसून की बारिश होती है। भारत में मानसून का समय 1 जून से 15 सितंबर तक होता है। इन दिनों में देश के अलग अलग हिस्सों में बारिश होती है। अक्टूबर के आखिर में मानसून लौट जाता है और सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। भारत में मानसून अर्थव्यवस्था की बैकबोन है। मानसून अच्छा रहा तो फसलों की बंपर पैदावार, नदी पोखरों तालाबों में लबालब पानी, और मानसून ने धोखा दिया तो सूखा, पीने के पानी का संकट, महंगाई। भारत में जून से लेकर अक्टूबर तक मानसून सक्रिय रहता है। मानसून से ही देश के आधे से ज्यादा फसलों की सिंचाई होती है। देश में 75% सिंचाई मानसून पर ही निर्भर होती है। खरीफ और रबी की फसलों की बुआई और कटाई भी मानसून पर टिकी होती है। खरीफ की फसलों की बुआई मानसून के मौसम के शुरू होते ही की जाती है। रबी की फसलों को पानी कम चाहिए होता है, इसलिए मानसून से पहले कटाई होती है। भारत में जीडीपी का 20% हिस्सा खेती का है और 70% आबादी खेती से जुड़ी है। बारिश कम या ज्यादा होने से फसल खराब होती है तो 70% आबादी पर सीधा असर पड़ता है। पहले मानसूनी हवाओं के बारे में किसी को पता नहीं था, ये कहां से आती है और इसका क्या मतलब है। मानसूनी हवाओं का सबसे पहले पता ईसा पूर्व पहली सदी में अलेक्जेंड्रिया हिप्पोलस नाम के नाविक ने की थी। इन हवाओं की खोज के बाद अरब और यूरोप से लेकर भारत के बीच समुद्री रास्तों से कारोबार होने लगा। मानसूनी हवाओं की खोज के बाद रोमन साम्राज्य और अफ्रीका से भी कारोबार में तेजी आई। इस बार देश में मानसून लेट से आया, इसकी वजह थी देश में बहने वाली पश्चिमी हवाएं, जिसने दक्षिण पश्चिम मानसूनी हवाओं का रास्ता रोक दिया। पश्चिमी हवाओं को काटकर ही मानसूनी हवाएं आगे बढ़ती हैं, जिससे मानसून में देरी होती है। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में मानसूनी हवाएं जोर पकड़ेंगी और देश के कई हिस्सों में मानसून की झमाझम बारिश होगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।